हेलो गाइस, आज मैं आपको शो करूंगी मेरे मिर्ची के चार पौधे। ये चार मेरे मिर्ची के पौधे थे जिसमें कीड़े लग गए थे थोड़े, तो एक को तो मैंने ट्रिमिंग कर दिया था और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये फ्रेश तरीके से नए पत्ते इसमें उगाए हैं। और ये देखिए, इसमें फ्लावर्स भी आ गए हैं, तो इसमें फिर से मिर्ची भी आएंगे। और ये जो तीन है, इसकी मैं टाइम पे कटिंग नहीं कर पाई थी, ट्रिमिंग नहीं कर पाई थी, तो इस वजह से इसके पत्ते थोड़े मुरझाए हैं। बट जो आज मैं आपको दिखाऊंगी, ये अद्भुत चीज़ है। अपने ही हाथों से लगाए हुए पौधों में जब फल या फूल आते हैं तो देखने का मज़ा, उनको मतलब उठाने का मज़ा एक अलग ही होता है। इसमें बहुत सारे मिर्ची लगे हुए थे, थोड़े से तो ले गए पंछी वगैरह आके, बट मेरे को मन नहीं करता। जनरली मैं अगर फूल खिलते हैं या कोई फल होता है तो हिचकिचाती हूँ उनको उठाने में, बट अगर आप देख सकते हैं तो ये देखिए कि ये सूख गए हैं नाव पर। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मिर्चियाँ सूख जा रही है, मतलब पौधे में ज़्यादा दिन रहने के कारण। ये देखिए, दो तीन तो डैमेज भी हो चुकी है, कुछ नीचे भी गिर रहे हैं पौधे हिलाते ही। तो किसी भी चीज़ को, चाहे खाने की चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, अननेसेसरी वेस्ट करना ठीक नहीं है, इसलिए मैं इनको आज उठा लूँगी सारा। देखिए, और इनकी थोड़ा सा मैं ट्रिमिंग भी कर दूँगी ताकि जिस तरह से उस एक पौधे में अच्छे तरह से पत्ते आ गए, इसमें भी फ्रेश पत्ते आ जाएं और अच्छे तरह से ये ग्रो करें और सर्दियों में हम खूब मिर्ची वाले खाने का मज़ा ले पाए। फ्रेंड्स, हरी मिर्ची खाने में अगर आप ज़्यादा तीखा भी खा रहे हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं आज ये सारे उठा लूँगी। कुछ कुछ ग्रीन वाले रहने देते हैं। एकदम पौधे को खाली कर देना भी सही नहीं होगा। जब वो रेड कलर के थोड़े थोड़े से सूखने लगेंगे तब मैं उनको उठा के ले जाऊंगी। वैसे ये रेड हो जाता है तो देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा अट्रैक्ट। चलिए, हाइड एंड सीख खेलते हैं, कहाँ है छुपा हुआ सूखे मिर्च और कहाँ कहाँ छुपे हैं। देखिए, कुछ और उठा लेती हूँ, फिर इनका मैं अचार बना दूँगी। मुझे तो बहुत ही मज़े आ रहे हैं। ये मैंने, ये सारे चारों के चारों पौधे मैंने मिर्च के सीड से जर्मिनेट करके उगाए हैं। थोड़े ले जाते हैं दोस्तों, थोड़े जो ग्रीन वाले हैं वो रहने देते हैं। ये उठा लेती हूँ, जब ये रेड हो जाएंगे बाकी तब मैं इनको उठा लूँगी। तो ये देखिए, थोड़े बहुत रह गए। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इन टच ऑलवेज, हैव ए नाइस डे।